राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कई सवाल खड़े किए थे और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जाँच करेगी। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर सीमांचल दास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई कि ट्वीट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय कमेटी का गठन किया है जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। कमेटी की अगुवाई ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे। भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आरोप लगाया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी। इसके अलावा देश के लिए जो प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था उसमें भी यूपीए सरकार ने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया था। ऐसे में कमल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की उच्च स्तरीय या सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। मैं भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश और देश की जनता की ओर से कि उन्होंने मेरी मांग पर राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चाइना से पैसा मिला है उसकी जांच के आदेश दिए उच्च स्तरीय। इससे अब दूध का दूध और पानी का होगा कि कांग्रेस पार्टी को और राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे कितना आया, कैसे आया, क्यों आया और उसका क्या उपयोग किया, इससे देश की जनता अवगत होगी। और कांग्रेस और कमलनाथ जी की भूमिका, तत्कालीन वाणिज्य मंत्री के रूप में जो रियायतें दी थी उन्होंने चाइना को, कहीं उसके बदले तो ये पैसा नहीं मिला है, और इसलिए जनता के सामने कांग्रेस की हकीकत पता लगेगी। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विगत 30 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच की मांग की थी। इसमें तत्कालीन यूपीए सरकार से चीन के संबंधों का उल्लेख करते हुए चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों रुपए की वित्तीय सहायता मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी, जो उस समय केंद्र की यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। श्री पटेल ने गृह मंत्रालय द्वारा जांच कमेटी गठित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें शामिल नेताओं की भूमिका की जाँच भी होनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।